पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में धनबाद के रणधीरवर्मा चौक पर छात्र एकता मंच के बैनर तले दर्जनों छात्रों ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की शव यात्रा निकाली, शव दाह किया और जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर छात्र नेता आशीष सिंह ने कहा कि जिस तरह से आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने का काम किया है और 40 जवानों को शहादत मिली है, अब समय आ गया है कि सरकार आतंकवादियों को उसके भाषा में ही जवाब देते हुए न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पनप रहे आतंकवादियों का नस्तनाबूद करे बल्कि पाकिस्तान के साथ निर्णायक युद्ध करके विश्व मानचित्र से उसका नाम ही मिटा दे। ये विरोध प्रदर्शन या आर्थिक जुलूस क्यों? ये विरोध प्रदर्शन और आर्थिक जुलूस ये है क्योंकि 42 जवान शहीद हो गए हैं पुलवामा में, उसको लेकर सरकार से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि ये पाकिस्तान इतना छोटा सा देश है, अगर इंडिया का देश, इंडिया के एक एक जनता अगर एक एक लीटर पानी डाल दे एक एक लीटर पानी डाल दे तो पाकिस्तान जो दुनिया का मैप से हट जाएगा। क्यों ये 42 जवान शहीद होते हैं, क्यों हमेशा ये देश में हमारा जवान शहीद हो रहा है, इसको लेकर सरकार इतनी चुप क्यों है, क्यों इतनी नाकामी है? हम इस जवान के लिए हम सही से हम सही खून से मांग करते कि पाकिस्तान में घुस कर एक एक आदमी का खात्मा हो, एक एक जवान का खात्मा होता है कि उन्हें अपनी औकात पता चल जाए। पाकिस्तान हम लोग ने आज शव यात्रा निकाली है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, ताकि हम उन्हें ये जताना चाहते हैं कि आपने जो किया हमारे जवानों के साथ वह सही नहीं है और जरूरत पड़ी तो शव यात्रा नहीं आपकी असली की यात्रा, जिंदगी की यात्रा भी नहीं।